संभावनाएं जताई जा रही कि वो शिवसेना में जाने वाले हैं, क्या कहेंगे आप? जिसकी ये स्वतंत्र है, ये देश अपना स्वतंत्र है, जिसकी मर्जी हो उधर जाए, हम हमारा काम करते रहेंगे। हमारा सभी का विश्वास लोकनेता हितेंद्र ठाकुर पे है और हमेशा उनके ऊपर ही रहेगा। नमस्कार, मैं अदिति सिंह हाजिर हूँ एक बार फिर आप सभी के सामने। इस वक्त हम नालासोपारा पूर्व के पंचम स्कूल के पास उपस्थित हैं। यहाँ पर आज वहाँ आरोग्य शिविर जो है बहुजन विकास आघाड़ी के कार्यकर्ताओं द्वारा आयोजित किया गया है, जिससे कि कोरोना काल में जो लोगों को दिक्कत थी, जो बाहर नहीं जा पा रहे थे, वो आकर अपना यहाँ पर इलाज करा सके, चेकअप करा सके और फ्री में यहाँ पर दवा भी बांटी जा रही है। इस वक्त हमारे साथ यहाँ पर पूर्व महापौर रुपेश यादव जी उपस्थित हैं। आइए उनसे कुछ मुख्य विषयों पर चर्चा करते हैं। सर, क्या बताएंगे आप आज के इस कार्यक्रम के बारे में? बहुजन विकास आघाड़ी के माध्यम से ये भव्य आरोग्य शिविर का आयोजन यहाँ पे किया है। यहाँ पे हमारे जो युवा आमदार है सतीश ठाकुर साहब, वो थोड़ी देर में आने वाले हैं। हमारे प्रथम महापौर राजू जी पाटिल साहब आए और सभी सभापति नगर सेवक कार्यकर्ते यहाँ पे सब धीरे धीरे आ रहे हैं। यहाँ पे फ्री मेडिकल कैंप का हम लोगों ने आयोजन किया है। इसमें हमारे जो युवा धमेश शेलार, प्रणीता शेलार, इनके माध्यम से हम लोग ने ये आरोग्य शिविर का आयोजन किया है। यहाँ पे 40 टोटल डॉक्टर है और उन लोगों को पहला हम लोगों ने वहाँ पे जो सामने आप देख रहे हैं वहाँ पे जो भी लोग आएंगे उनको हम रिसीट देंगे। इसे देने के ऊपर डायबिटीज़, ब्लड प्रेशर हर आदमी का चेकिंग करेंगे। उसके बाद में उनको कूपन दिया जाएगा। वो कूपन के माध्यम से यहाँ पे हम लोगों ने 18 रूम लिए हैं। वो 18 रूम में दो दो डॉक्टर्स हैं, वहाँ पे एक 50-60 नर्स है, सिस्टर है, और जो हमारे जो कार्यकर्ते हैं वो हर रूम पे चार चार कार्यकर्ते हम लोगों ने रखा है कि उनको लाइन में खड़ा करने के लिए, उनको मास्क देने के लिए, उनको सैनिटाइज़र करने के लिए हम कार्यकर्ते भी इधर थे। और पूरा टोटल ये आज का दिन पूरा यहाँ पे आप देख रहे हैं इतना भीड़, ये मेरे ख्याल से यहाँ इस एरिया में पहली बार ऐसा इतना भव्य शिविर का आयोजन हम लोगों ने किया है। ये बहुजन विकास आघाड़ी के माध्यम से किया है। हमें कोविड के टाइम पर लोगों की जो कंडीशन है कि जिसको मतलब हॉस्पिटल में नहीं जा सकते, सब ट्रेन बंद है, सब घर में बैठे, बहुत से ऐसे लोग के वो बीमार हैं फिर भी डॉक्टर के पास जाने के लिए डेयरिंग नहीं करते कि कल कुछ बीमारी होएगा तो क्या करेंगे। ये इसलिए हम लोगों ने ये आयोजन किया है। इसमें ECG आप देखेंगे, ECG के दो रूम रखे कि मेरे ख्याल से एक 400-500 लोगों का यहाँ पे ECG फ्री में हम कर रहे हैं। थायरॉइड जो है उसके लिए हम एक डॉक्टर्स बुलाए हैं। यहाँ पे स्टार लाइफ केयर, ऐसे बहुत से डॉक्टर जो है वो यहाँ पे आने वाले हैं। हमारे जो यहाँ पे जो कार्यकर्ते हैं वो 2-3 दिन से यहाँ पे मेहनत कर रहे हैं और ये पूरा जो आयोजन का श्रेय है हमारे कार्यकर्ता को जाता है। सर, बहुजन विकास आघाड़ी ने एक मुख्य चेहरा खो दिया है, जो पंकज देशमुख है उन्होंने आपकी पार्टी को अलविदा कह दिया है, इस विषय पर आपका क्या कहना है? देखो, ये पार्टी बहुत बड़ी है। लोग नेता हितेंद्र ठाकुर पे प्यार करने वाले हैं, हमारे सभी यहाँ के तालुके के लोग हैं। जिसको रहने का रहता है वो जो प्रामाणिक रहते हैं वो बहुजन विकास आघाड़ी के साथ ही रहते। आप देख रहे कितने ऐसे कार्यकर्ते हैं, वो बड़े बड़े पद पे भी गए, हमारे जैसा महापौर थे, वापस हम एक कार्यकर्ता के माध्यम से हम काम कर रहे। जिसको पार्टी का, जिसके मन में प्यार है वो पार्टी का काम करेगा। संभावनाएं जताई जा रही कि वो शिवसेना में जाने वाले हैं, क्या कहेंगे आप? जिसकी ये स्वतंत्र है, ये देश अपना स्वतंत्र है, जिसकी मर्जी हो उधर जाए, हम हमारा काम करते रहेंगे। हमारा सभी का विश्वास लोकनेता हितेंद्र ठाकुर पे है और हमेशा उनके ऊपर ही रहेगा। क्या इस बार राजनीति का काया पलट होगा, ऐसा लोगों का कहना है, क्या कहेंगे आप इस विषय पर? ये देख रहे हैं, आप देख रहे हैं ना कार्यकर्ते कितने जुड़े हुए हैं। हम ग्राउंड लेवल पे काम करते, हम कुर्सी पे बैठ के काम नहीं करते, ग्राउंड लेवल पे हम काम करते। और जिसको भी जिसकी वैयक्तिक इच्छा है, जो जिसको किधर रहने का, क्या करने का, उसको हम उसमें कुछ इंटरफेयर नहीं करेंगे। मगर एक है, ये तालुके में जो लोग नेते हितेंद्र ठाकुर जैसी शक्ति है, वो शक्ति के पीछे सब जन है। आप बोलते ही काया पलट, आप उस टाइम पे हम बोले थे कि जब विधानसभा का इलेक्शन था उस टाइम अपने इंटरव्यू लिया, हम बोला कि 3 आमदार हमारे चुन के और बहुमत से चुन के आएंगे। और सतीश ठाकुर जी हमारे हैं युवा आमदार, वो 40,000 वोटिंग से चुन के आए, वही आंकड़ा फिक्स है। अभी भी आज बोल रहा हूँ 115 में से 115 सीट जो 6 गई थी हमारी इस टाइम पे, वैसे 6 है जो हमारे जो कॉरपोरेटर वहाँ से जो हारे थे 6 पे, उस पर ज़्यादा ध्यान दिया है। वो 6 सीट उनकी जाने वाली है, 115 में से 115 का हमारा टारगेट है और वो टारगेट पूरा कर।
तो ये थे पूर्व महापौर रुपेश यादव जी, जिन्हें आपने सुना। उनका दावा है कि इस बार 115 में से 115 सीटें वो जीत कर ले आएंगे, क्योंकि पिछली बार जो है 6 सीटें कम हो गई थी, लेकिन इस बार ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला है। अब जो भी होगा वो देखने वाला होगा। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।